हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके साथ दीक्षा एक बार फिर हाजिर हूं एक बेहद ही दिलचस्प अपडेट लेकर। और अपडेट जुड़ी है केजीएफ चैप्टर 2 से। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर केजीएफ चैप्टर 2 से क्या जुड़ी अपडेट है, क्योंकि ट्रेलर तो रिलीज़ हो गया है, टीज़र भी रिलीज़ हो गया है और फिल्म की डेट जो है वो भी पता लग गई है और रिलीज़ जो है वो 14 अप्रैल को होगी। और सिनेमा घरों में अब इसका इंतज़ार जो है बेहद बेसब्री से किया जा रहा है कि आखिर कब और किस दिन ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से KGF चैप्टर 1 इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, तो उसे कयास लगाए जा रहे हैं कि KGF चैप्टर 2 भी उतनी ही रोमांचक होगी, उतनी ही एक्शन से भरपूर होगी। और जिस तरह से इस बार रॉकी यानी कि यश का रोल जो है वो तो सामने आएगा ही, लेकिन संजय दत्त का इस बार KGF चैप्टर 2 में होना कहीं ना कहीं फैंस को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि KGF चैप्टर 2 में जब लोगों को ये पता चला कि संजय दत्त भी आने वाले हैं, तो उनकी जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो भी बढ़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय दत्त को आखिर किसने ये मनाया कि वो KGF चैप्टर 2 करे, क्योंकि इससे पहले तक ये खबर सामने थी कि संजय दत्त KGF चैप्टर 2 नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि संजय दत्त का किरदार ही एक ऐसा है जो हर रूप रंग में ढल जाता है और लोग उनको बेहद पसंद भी करते हैं। और अब एक बार फिर वह अधीरा के रोल में जब नज़र आने वाले हैं, तो फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अधीरा के रोल के लिए उनको उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने मनाया है, और साथ ही आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि मैं अपनी बीवी के बिना कुछ भी नहीं कर पाता, उनकी वजह से ही मैंने आज इस रोल के लिए हामी भरी है और मैं ये रोल अच्छे से निभाया सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। यानी कि उनकी जो पत्नी है संजय दत्त की, वही थी उनके इस रोल को हामी भरवाने के लिए। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर लोगों को ये रोल कितना पसंद आने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से लोगों को KGF चैप्टर 1 पसंद आई, उसी तरह से लोगों को KGF चैप्टर 2 भी पसंद आने वाली है। लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और साथ ही आपको बता दें कि तरह तरह की अलग अलग भाषाओं में भी ये फिल्म लॉन्च होगी, तो देखने वाली बात है कि आखिर फैंस को इसमें क्या कुछ अलग मिलता है, क्या कुछ अलग कहानी होती है, क्योंकि संजय दत्त का इसमें किरदार है और साथ ही यश इसमें किस तरह से किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी ये अपडेट और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।